मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार 22 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी SEBI द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर ध्यान आकर्षित करना है, जिसमें हाल ही में इंडियन वर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से व्यापक चौराहा बोर्ड ऑफिस होते हुए अरेरा हिल्स तक पैदल मार्च करने की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने कांग्रेस को व्यापम चौराहे के पास प्रदर्शन की अनुमति दे दी। इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह खार सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापम चौराहे पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर SEBI प्रमुख माधवी पुरी भुज और उनके पति के खिलाफ गंभीर आरोपों के मद्देनजर ज्ञापन सौंपे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि माधवी पुरी भुज और उनके पति का अडानी समूह के वित्तीय घोटाले में इस्तेमाल किए गए विदेशी फंड में संबंध था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह पर पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन SEBI ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया है। समूह ने कहा है कि उनके और SEBI प्रमुख और उनके पति धवल बुच के बीच कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। माधवी बुच और उनके पति ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है।